Yes, thank you. Yes, next. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सर दिस इज़ अनूप. मेरा सवाल ओझा सर से है. एक्चुअली सर प्रेजेंटली माई एज इज़ 28 ईयर्स एंड आई एम वर्किंग इन बैंकिंग. सो इट इज़ क्वाइट हेक्टिक, आई मीन फ्रॉम 10 to 7. सो सर डू यू थिंक दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर UPSC बिकॉज आई हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट एंड ऑल्सो आई कांट लीव द जॉब. सो सर प्लीज़ गाइड अस. बेस कैसा है तुम्हारा? बेस कार चलाना जानते? नो सर. बाइक? बाइक यस. साइकिल? यस. तो अब जब साइकिल चलाते चलाते कभी कभी मोबाइल चेक कर लेते हो कि नहीं? हाँ या ना बताओ, दो में से जो भी ऑप्शन है तुम्हारा. जैसे साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है साइकिल पे और तुम साइकिल चला रहे हो और फोन आ गया. तुम देखो जैसे जो लोग कार चला रहे हैं. यस वी डू सर. हाँ यू डू, जनरली वी डू इट कि व्हेन वी डेवलप अ कमांड ऑन सर्टेन थिंग्स. एक अटेम्प्ट में निकाला, तुम्हारे पास दो है. तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास दो है. अब कैसे? अब देखो कितनी मतलब वो सारी बातें वो कहा ही इन्होंने कहा कि एक तो फाउंडेशन. मैंने शुरू में आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा कि IAS का एग्जाम बहुत ईजी है. मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा इस क्वेश्चन पे मैं आपको इनाम दूंगा. आप में से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि सिंधिया ने होलकर से ही दुश्मनी क्यों की, और ना आप में से किसी ने पूछा. मैं बताता हूं और इनाम का क्वेश्चन है सर. हाँ जी बताएं. सर मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था वो पानीपत से होलकर भाग के आए थे, मतलब विश्वास राव को छोड़ के आए थे शायद. ये पढ़ा था मैंने, शायद ये रीजन हो सकता है. ठीक ठीक. और कोई? अब आप, अब देखिए यही सोचने की बात है. ग्वालियर और इंदौर, मालवा को जो रीजन है ना, वो ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है, अफीम. ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को सबसे ज्यादा बेच रही थी चाइना में. जैसे आज तेल अमेरिका के लिए है, ऐसे अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. इनके पास इतना सोना नहीं था. और चीनी जो थे, चाइनीज, ये किसी भी अपने गुड्स को सिर्फ सोने में बेचते थे, सोने के अलावा किसी में देते ही नहीं थे. कहते थे सोना लाओ, कुछ और, कुछ और किसी में देना ही नहीं, और इनको अपना सोना बचाना है. तो फिर धीरे धीरे इन्होंने अफीम, इन्होंने चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया. लोग वहां के, इसीलिए चीन की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ओपियम वॉर शब्द आएगा आपके पास. और ये मालवा और का जो रीजन है, ये कितनी सारी नदियां, बेन, बेतवा, केन, ये सारी नदियों का इलाका, फर्टाइल लैंड, हाईलैंड. यहाँ का टेम्परेचर बड़ा प्यारा है, हाई, थोड़ा सा हाईलैंड है तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल है. ओपियम पैदा होने के लिए बड़ा सूटेबल है. तो अब जिसका भी मालवा पे कब्जा होगा उसका ओपियम की खेती पे कब्जा होगा, और जिसका भी ओपियम की खेती पे कब्जा होगा उसके पास पैसा ज्यादा आएगा. आप, मैंने क्या कहा, आपने शायद, मैंने जितनी बातें जो आपसे कही हैं, सर जोड़ो, सर दिमाग का इस्तेमाल करो. ये दिमाग किसी के में लगाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला. दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है इस्लाम के जो सिद्धांत हैं, बेसिकली वो लगभग सारे धर्मों के सिद्धांत हैं. काफिर, अकबर ने सवाल किया अपने गुरु से, अब्दुल लतीफ से, काफिर कौन? उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब, तो जो नमाज पढ़ना, असर की पढ़ना, फजर की पढ़ना, जब भी पढ़ना पांचों में से मुझे बताना, नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे, तब मैं बताऊंगा काफिर कौन. तो लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया, तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया, कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं. बोले कायदे से पढ़ी? बोले हाँ. तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा. बोले नहीं बताना पड़ेगा, तभी मैं तुमको जवाब दूंगा. तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं. तो अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है. गुम, जीवन, संसार में तो रहना है. अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है, अफाक
आप सजदा करने गए, मेरे दोस्त हैं दानिश फिरोज शमसी, जुमे की नमाज पढ़ने आ रहे थे, 5 मिनट रुको आ रहा हूँ। मैं कहता जा ही क्यों रहे हो, तुम मालिक के पास जा रहे हो सजदा करने, जल्दी में क्यों जा रहे हो? हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब मैं निकलूंगा उसकी मर्जी से, क्योंकि वो मालिक है देश, मैं उससे ये थोड़ी कर सकता हूँ मैं जा रहा हूँ भाई साहब। हम कह के बैठे हो मारे बैठ मास्टर, कहाँ जा रहा है? जब तुम मालिक से मिलने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सर ये देखो 1000 रुपये का फ़ोन लेके चलते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। काफिर ज्यादा हो गए किसकी वजह से? फेसबुक की वजह से। काफिर ज्यादा हो, ये दुनिया में जो आप उथल पुथल देख रहे हो किसकी वजह से? काफिर, काफिर का मतलब क्या? जिसका दिमाग मालिक के साथ भी नहीं एक है। कम से कम आप किसी बड़े आदमी के सामने बैठे तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। आप नमाज पढ़ने के धीरे से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, अगल बगल आप देख रहे हो कोई देख तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप देखिए मेरी वाइफ के पास 1 लाख रुपए का फोन, कहती है अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सवाल अच्छे का नहीं है, सवाल दिमाग का है, बात ही तो करनी है। आपके पास 2 अटेम्प्ट है सर जी, एनसी आप पढ़िए बैंक में, कोई बात नहीं। आप हमें हमारा जो एक प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, इकरा शुरू करेगी, वो जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं 60 टेस्ट 60, 1000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, हिस्ट्री में 1000, पूरी हिस्ट्री आपको क्लास में रिपीट कराएंगे ऐसे ही क्वेश्चन देकर,